सोनभद्र में चल रही रामलीला मंचन के 10वें दिन सीता हरण का लीला बड़े ही मनमोहक अंदाज में दिखाया गया। सुर्पना खां की बात सुन रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए मामा मारिच के पास जाता है। मामा मारिच द्वारा रावण की आरती की जाती है तथा आने का कारण पूछा जाता है। रावण बताता है कि पंचवटी में जाकर तुम सोने के मृग बन जाओ, मैं साधु बन सीता का हरण कर लूंगा। रावण की बात सुन मामा मारिच द्वारा रावण को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अधम अधर्मी रावण मामा मारिच की एक नहीं सुनता। मामा मारिच पंचवटी पहुंच कुटिया में बैठे प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी के सामने से गुजरता है। मनमोहक मृग देख माता सीता प्रभु से आग्रह करती है मृग पकड़ कर लाएं। माता की बातों को सुन राम जी मृग पकड़ने के लिए चले जाते हैं। मृग पकड़ने में विलंब होता देख माता सीता लक्ष्मण जी को कहती हैं, प्रभु किसी मुसीबत में हैं, आप जाइए और उन्हें देखिए। वहीं लक्ष्मण जी द्वारा लक्ष्मण रेखा पंचवटी में खींची जाती है और माता सीता से आग्रह किया जाता है, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार नहीं करें। वहीं माता सीता को अकेला देख रावण साधु के भेष में आता है, वह भिक्षा मांगता है। माता जब उसे भिक्षा देती है, जैसे ही रेखा के नजदीक आते हैं अग्नि जलने लगती है, जिससे रावण कहता है बंदी भिक्षा नहीं लेगा जो कि भले भूखा मर जाएगा। साधु को भूखा सुन माता सीता लक्ष्मण रेखा पार कर जैसे ही भिक्षा देने के लिए निकलती है, रावण द्वारा माता का हरण कर लिया जाता है। रावण अपने पुष्पक विमान से माता सीता को लेकर रावण लंकापुरी को चलाता है। उधर रास्ते में गिद्ध जटायु माता सीता को ले जाते देख रावण से युद्ध करते हैं। जटायु से युद्ध के दौरान रावण एक बार मूर्छित भी होता है, लेकिन बलवान रावण के सामने गिद्धराज जटायु की एक नहीं चलती। रावण द्वारा जटायु का पंख काट दिया जाता है, जिससे गिरा जटायु जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं माता सीता अपना कुंडल किसी कंधा पर्वत पर फेंक देती है, जिससे सुग्रीव महाराज अपने पास रख लेते हैं। रामलीला में प्रभु श्री राम का दर्शन करने पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय यादव रामलीला मंच पर पहुंच प्रभु श्री राम का माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। रावण द्वारा सीता माता का हरण किया जाता है। प्रभु माता को खोजने के लिए वन वन विचरण करते हैं, लेकिन अंत समय रावण को वीरगति प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु श्री राम के आदर्शों पर आज हमें चलने की जरूरत है। इस दौरान का काम इस मंच पर होता है, जो पिछले कई वर्षों से मुझे ले जाने का इस कार्यक्रम में मौका मिला है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि जो साथी हमारे बीच में इस रामलीला के बेटे के जो पात्र हैं, कहीं न कहीं स्नेहपुर ग्राम पंचायत के साथी हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे यहाँ के लोग कहीं न कहीं रामलीला का एक प्रदर्शन करने का काम करते हैं। तमाम मंचों पर चले जाइए, कोई अयोध्या से, कोई गुजरात से, कोई वृंदावन से, बाहर का कमेटी आगे काम करने का काम करती है, लेकिन हमारे बीच के पास